हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थेस के बारे में। क्लास 11 का एनिमल किंगडम का ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, साथ ही साथ ये नीट पीजीटी और टीजीटी में भी हेल्पफुल है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्लैटिहेल्मिन्थेस फाइलम के बारे में। प्लैटिहेल्मिन्थेस टर्म किसने दिया था? जेगन बोर ने दिया था। इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं? फ्लैट वर्म्स। प्लैटिहेल्मिन्थेस का कॉमन नेम क्या है? फ्लैट वर्म्स। अब हम जानेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिसकी वजह से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं ये। डॉर्सल और वेंट्रल साइड कैसी होगी? फ्लैटेंड होगी। ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इससे पहले कि आपने फाइलम जो देखे थे, पोरीफेरा था या फिर सीलेंट्रेटा था, उसमें कैसा था ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर ग्रेड का, उसमें जो सेल्स बने हुए थे उनका था। अब हम देखेंगे ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी भी तरह के सिलोम नहीं है। अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। जनरल फीचर्स क्या क्या है? माउथ एंड गोनोपोर्स ऑन वेंट्रल सरफेस। माउथ और गोनोपोर जो है वो कहाँ होगा? वेंट्रल सरफेस पे होगा। इस तरह के प्लांट को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट। दोनों पार्ट वेंट्रल साइड पे जब होते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट। एंडो पैरासाइट है ये, किसी ना किसी एनिमल के अंदर पैरासाइट होंगे, ये एंडो पैरासाइट होंगे शरीर के अंदर। बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री यानी जब भी हम इन्हें कट करेंगे तो सिर्फ ये दो पार्ट्स में बराबर बट पाएंगे कि नहीं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, थ्री लेयर्स है इनमें। जर्म लेयर्स कितनी होंगी? थ्री लेयर्स। अभी तक हमने सीलेंट्रेटा में और पोरीफेरा में देखी थी कि कितनी थी जर्म लेयर? दो थी, तभी वो डिप्लोब्लास्टिक थे। अब ये कैसे है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ए सीलोमेट है, किसी भी तरह की इनमें सिलोम नहीं है। सकर्स और हुक्स आर प्रेजेंट फॉर अटैचमेंट। चूंकि ये एंडो पैरासाइट है तो बॉडी में इनको किसी भी होस्ट के अंदर अटैच होने के लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, कुछ स्पेशल अपेंडेजेस होंगे जैसे कि सकर्स हैं, हुक्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनका रिड्यूस होता है क्योंकि इन्हें कोई भी ऐसा डाइजेशन नहीं करना। जो भी इनका होस्ट होता है इससे वो ब्लड या फूड डाइजेस्टेड ऑलरेडी लेते रहते हैं। इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, एनस इसमें एब्सेंट होती है जैसे कि फैशियोला में है। अब एक्सक्रीशन जो है फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि प्लैटिहेल्मिन्थेस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो आप बताएंगे फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स। रेस्पिरेशन इनमें कैसा होगा? अनएरोबिक होगा, क्योंकि ये पैरासाइट्स हैं तो इनमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन ही पाया जाएगा। हर्मेफ्रोडाइट है यानी बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मीन्स दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में होंगे, मेल और फीमेल जो है वो एक ही इंडिविजुअल होगा। सर्कुलेशन इनमें जो है वो एब्सेंट होता है, कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है इसमें। नर्वस सिस्टम जो है वो प्रिमिटिव है। और ये डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक का मतलब इनके दो होस्ट होंगे। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? इनके बॉडी सेगमेंटेशन पे बेस्ड है एंड पैरासिटिक और फ्री लिविंग नेचर पे। बॉडी सेगमेंटेशन इनका कैसा है और ये पैरासाइट है या फ्री लिविंग है, इस बात पे डिपेंड होगा इनका क्लासिफिकेशन। तीन क्लासेस हैं इनमें मेनली, टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। तीन क्लास हैं, टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। सबसे पहले हम देखेंगे टर्बुलेरिया के बारे में, कॉमनली कॉल्ड प्लैनेरियंस। क्या कहते हैं हम इनको? कॉमनली प्लैनेरियंस बोलते हैं। नॉन पैरासाइट होते हैं ये और फ्री लिविंग है। जब नॉन पैरासाइट होंगे तो कैसे होंगे? फ्री लिविंग होंगे। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं ये, फ्रेश वाटर हो सकते हैं या मैरीन, तीनों तरह के हो सकते हैं। बॉडी जो है इनकी कैसी होती है? अनसेगमेंटेड होती है एंड कवर्ड बाय सिंसाइशियल एपिडर्मिस। सिंसाइशियल एपिडर्मिस का मतलब होता है सेलुलर एपिडर्मिस, ऐसी एपिडर्मिस जो कई सारी सेल्स से बनी हो, सेलुलर एपिडर्मिस सिंसाइशियल एपिडर्मिस कहलाती है। म्यूकस सिक्रेटरी रॉड शेप सेल्स होती है इनके एपिडर्मिस में, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडडाइट्स। ये किसका सिक्रीशन करती है? म्यूकस का। सकर्स जो है इनमें एब्सेंट होते हैं, अभी आपने देखा ये फ्री लिविंग है तो इनमें सकर्स की कोई बात नहीं होगी। हर्मेफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है और डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट। डायरेक्ट यानी इनमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होगी। एग्जाम्पल इसका क्या है? डुगेसिया या प्लैनेरिया। नेक्स्ट क्लास हमारा कौन सा है? ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा को हम क्या कहते हैं? फ्लूक्स कहते हैं। एक्टो और एंडो पैरासाइट, अभी हमने देखा था टर्बुलेरिया में कि वो फ्री लिविंग थे, पैरासाइट नहीं थे, लेकिन ट्रेमेटोडा में एक्टो और एंडो पैरासाइट है, अनसेगमेंटेड है। टर्बुलेरिया में रेबडाइट्स प्रेजेंट थे लेकिन इनमें रेबडाइट एब्सेंट है। टर्बुलेरिया में सकर एब्सेंट थे लेकिन इनमें सकर प्रेजेंट है। सकर क्यों? क्योंकि अगर ये किसी के अंदर पैरासाइट है या मान लीजिए एक्टो पैरासाइट है तो इनको अटैच होने के लिए कुछ स्पेशल
अपेंडेजेस चाहिए, तो सकर जो है इनके अटैचमेंट का काम करता है बॉडी के साथ। हर्मेफ्रोडाइट है, बायसेक्सुअल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का इसमें डेवलपमेंट है, मतलब इसमें लार्वा प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी। फैशियोला हेपेटिका और सिस्टोसोमा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फैशियोला हेपेटिका का दूसरा नाम शीप लिवर फ्लूक है, शीप लिवर मेनली इसका होस्ट है, और सिस्टोसोमा जो है वो ब्लड फ्लू कहला। नेक्स्ट हमारा क्लास आ गया सिस्टोडा। सिस्टोडा जो है इनको हम कॉमनली टेप वर्म कहते हैं। एंडोपैरासाइट्स होते हैं वर्टिब्रेट्स में, बॉडी इनकी सेगमेंटेड है। अभी हम लोगों ने देखा था टर्बुलेरिया और ट्रिमेटोडा में बॉडी जो थी अनसेगमेंटेड थी, लेकिन इनमें बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है। और इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्लॉटिड्स। रैबडाइट्स इसमें भी एबसेंट है। एंटीरियर पार्ट जो है वो कहलाता है, उसका एंड जो है वो कहलाता है स्कोलेक्स। इसमें क्या होते हैं, हुक्स और सकर्स होते हैं। स्कोलेक्स इसका समझ लीजिए माउथ वाला एक तरीके से पार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल और सेंस ऑर्गन जो है वो एब्सेंट है। डाइजेनेटिक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। कैसा डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल क्या क्या है, टीनिया सोलियम, पॉर्क टेप वर्म कहलाता है टीनिया सेजिनाटा, बीफ टेप वर्म कहलाता है, और इकाइनोकोकस डॉग टेप वर्म कहलाता है। ये एग्जाम्पल खूब पूछे जाते हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इंडिविजुअल वॉर्म्स के बारे में। जैसे प्लानेरिया है, डुगेसिया इसका नाम है, इसका स्पेशल कैरेक्टर है रिजनरेशन। इसमें रिजनरेशन की पावर बहुत होती है, अगर आप कोई भी पोर्शन काट देंगे, कट कर देंगे, तो उसके बाद वो नया पार्ट अपना बना लेगा, पूरा बॉडी बना लेगा। फैशियोला हिपैटिका, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, मेरासिडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया, ये इसकी 5 लार्वल स्टेजेस होती हैं। सिस्टोसोमा जो है ये कैसा है, सैंगोयोरस, ब्लड सकिंग, ब्लड जो है वो ये सक करता है। अब फैशियोला के 2 होस्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होस्ट इसका कौन है, शीप, और सेकेंडरी होस्ट कौन है, स्नेल। प्राइमरी होस्ट वो कहलाता है किसी भी पैरासाइट का जिसमें उसकी एडल्ट फॉर्म डेवलप होती है, तो शीप में क्या होगी, फैशियोला की एडल्ट फॉर्म होगी, और जिसमें लार्वल स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉर्म। तो इस फैशियोला की सेकेंडरी फॉर्म क्या है, स्नेल। नेक्स्ट है टीनिया। टीनिया में फर्टिलाइज एग्स जो है जिन सेगमेंट्स में होते हैं उन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविड प्रोग्लॉटिस, जिनमें ऐसे प्रोग्लॉटिड्स। अभी हमने देखा था कि टीनिया की बॉडी जो है वो कई सारे सेगमेंट्स में बटी होती है जिन्हें हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, तो वो प्रोग्लॉटिड जिसमें फर्टिलाइज एग्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविड। और एपोलाइसिस क्या होता है, इन्हीं ग्रेविड का बॉडी से अटैच होना। ये जो ग्रेविड वाले पोर्शन है ये जब बॉडी से डिटैच होते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को एपोलाइसिस। अब हम टीनिया के प्राइमरी होस्ट देख लेते हैं। टीनिया का प्राइमरी होस्ट मैन है और सेकेंडरी होस्ट पिग है, यानी टीनिया की जो एडल्ट फॉर्म है वो मैन में होती है और लार्वल फॉर्म कहाँ होती है, पिग में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लैटीहेलमिंथिस के बारे में, आप इनको दोहराइए, अच्छे से समझिए। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।